दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म्स एंड टेलीविजन एक्टर करण कुंद्रा की लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी, एजुकेशन, कैरियर, फिजिकल अपीयरेंस, कंट्रोवर्सी, मंथली इनकम और उनके कार कलेक्शन के बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी करण कुंद्रा के बारे में ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। करण कुंद्रा ने अपनी एक्टिंग डेब्यू की शुरुआत एकता कपूर की पॉपुलर टीवी शो कितनी मोहब्बत है से की थी। इसके अलावा इन्होंने ये कहां आ गए हम, दिल ही तो है और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे टीवी सीरियल में काम किया है। करण कुंद्रा पहली बार 1921 के फिल्म मुबारका में फीचर हुए थे। 2021 में करण कुंद्रा ने बिग बॉस के 15वें सीजन में भाग लिया था और वे इस शो के सेकंड रनर अप भी रहे थे। करण कुंद्रा का जन्म 11 अक्टूबर 1984 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। इनके पिता का नाम एसपी कुंद्रा है जो कि पंजाब में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। इनके माता का नाम सुनीता कुंद्रा है जो कि हाउसवाइफ है और इनकी 3 बहनें हैं जिनके नाम है पूनम, मेनू और मधु कुंद्रा। और अगर हम करण कुंद्रा के एजुकेशन के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई पंजाब के जालंधर से ही की है। इसके बाद इन्होंने यूएसए के फ्लोरिडा से एमबीए किया हुआ है। अब हम करण कुंद्रा की एक्टिंग कैरियर के बारे में जान लेते हैं। तो करण कुंद्रा ने अपनी एक्टिंग डेब्यू की शुरुआत 2009 में एनडीटीवी इमेजिन की टीवी सीरियल कितनी मोहब्बत है से की थी, जिसमें वे लीड रोल में अर्जुन पुंज का रोल प्ले कर रहे थे। इसके बाद 2009 में वे सोनी टीवी की बेताब दिल की तमन्ना में वीरू का किरदार निभाते नजर आए थे। इसके बाद 2010 में एपिसोडिक शो आहट में नजर आए थे और इसी साल मई 2010 में स्टार प्लस के डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा को होस्ट करते नजर आए थे। इसके बाद करण कुंद्रा को गुमराह एंड ऑफ इनसेंस के पहले 2 सीजन में देखा गया। इसके बाद करण कुंद्रा ने एमटीवी के रोडीज और लव स्कूल के रियलिटी शो को होस्ट करते हुए देखा गया था। 2017 में करण कुंद्रा को अनीस बाजमी की फिल्म मुबारका में मनप्रीत संधू के रोल के लिए कास्ट किया गया, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर और इलियाना डी क्रूज भी काम कर रहे थे। इसके बाद 2018 में करण कुंद्रा ने विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 1921 में लीड रोल प्ले किया था। इसी साल वे फिर से एकता कपूर की रोमांटिक ड्रामा दिल ही तो है टीवी सीरियल के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी वापसी की, जिसके 2 और सीजन को एक्सटेंड किया गया, जिसे अल्ट बालाजी पर 2019 में और एमएक्स प्लेयर पर 2022 में दिखाया गया। इसके बाद अप्रैल 2021 में ये रिश्ता क्या कहलाता है टीवी सीरियल में रणबीर चौहान का रोल प्ले करते नजर आए थे। इसके बाद अक्टूबर 2021 में पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन में इन्होंने भाग लिया और वे इस शो के सेकेंड रनर अप भी रहे। मार्च 2022 में अल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर के रियलिटी शो लॉकअप में जेलर का किरदार निभाते इन्हें देखा गया। इसके बाद अप्रैल 2022 में करण ने कलर्स टीवी के डांस रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स के सीजन 1 को होस्ट किया था और अभी के समय में 2023 में कलर्स टीवी के सीरीज तेरे इश्क में वीर का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। अब हम करण कुंद्रा के पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो करण कुंद्रा की अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो अभी के समय में करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात लेडीज वर्सेस जेंटलमैन के वेब सीरीज में हुई थी और इन्होंने बिग बॉस के 15वें सीजन के घर से एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था। अब हम करण कुंद्रा के अचीवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो करण कुंद्रा फोर्ब्स इंडिया के लिस्ट में टॉप 100 सेलिब्रिटी में 2018 में 84 और 2019 में 92 स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावा करण कुंद्रा को 2022 में दुबई में आउटस्टैंडिंग टैलेंट ऑफ द ईयर के लिए फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब हम करण कुंद्रा के फिजिकल अपीयरेंस और उनके कार और बाइक कलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो करण कुंद्रा की अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो उनका हाइट 6 फुट 1 इंच का है और अगर हम उनके वजन के बारे में बात करें तो उनका वजन 75 किलोग्राम का है और उनके आई का कलर ब्राउन है और उनके हेयर का कलर ब्लैक है। अब हम करण कुंद्रा के फेवरेट फूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनका फेवरेट फूड है राजमा चावल और छोले भटूरे। अब हम करण कुंद्रा के कार कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो उनके पास रेंज रोवर, मिनी कूपर, लैम्बोर्गिनी, जीप रेंगलर, रूबीकॉन की कारें हैं और अगर उनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो उनके पास हार्ले डेविडसन 48 की बाइक है। अगर हम करण कुंद्रा के कंट्रोवर्सी के बारे में बात करें तो 2014 में करण कुंद्रा के एक्स मैनेजर सोनिया सिंह ने मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में डिफेमिंग एंड मेंटल हैरेसिंग का कंप्लेंट किया था, लेकिन एक इंटरव्यू में करण कुंद्रा ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि सोनिया सिंह मेरी बहन जैसी है।
इसके अलावा करण कुंत्रा ने 2015 में अपने को स्टार सानवी तलवार को थप्पड़ जड़ दिया था। और इसके अलावा एमटीवी रियलिटी शो रोडीज राइजिंग 2017 के कंटेस्टेंट को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद शो मेकर्स ने करण कुंत्रा को जज के पद से हटा दिया था। अब हम करण कुंत्रा की इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो करण कुंत्रा की अगर हम मंथली इनकम के बारे में बात करें तो हम महीने के 30 लाख रूपए आसानी से कमा लेते हैं। और अगर हम करण कुंत्रा के पर एपिसोड के बारे में बात करें तो पर एपिसोड के 3 लाख से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। तो करण कुंत्रा की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो और इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।